पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस का मास्टरमाइंड अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस और तमाम जांच एजेंसियां लगातार इस केस के हर एंगल को खंगालने में लगी हुई है। वहीं अब इस केस में नया मोड़ आया है। अब सिद्धू मूसेवाला को अपना भाई बताने वाली मशहूर पंजाबी सिंगर अफसाना खान एनआईए की रडार पर है। एनआईए ने गैंगस्टर टेररिस्ट सिंडिकेट केस में अफसाना खान को समन भेजा था। इस मामले में उनसे 5 घंटे पूछताछ की गई। अफसाना खान मूसेवाला की बेहद करीबी थी, वो मूसेवाला को राखी बांधती थी। सूत्रों की माने तो 5 घंटे चली पूछताछ में एनआईए की टीम ने अफसाना खान से 100 से भी ज्यादा सवाल पूछे, जिसमें मूसेवाला केस में शामिल गैंगस्टर से संबंधों के बारे में पूछताछ हुई। एनआईए को ये भी शक है कि मूसेवाला मर्डर केस और पंजाब में बढ़ती गैंग्स वॉर में अफसाना खान की भूमिका हो सकती है। एनआईए को बम्बिहा गैंग के साथ अफसाना खान के कनेक्शन होने का भी शक है। बता दें, इन दिनों पंजाब के सिंगर्स गैंगस्टरों के निशाने पर है। वही बम्बिहा गैंग बिश्नोई गैंग की राइवल है। बिश्नोई गैंग और गैंगस्टर गोल्डी बरार पर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर का आरोप है। बिश्नोई गैंग मूसेवाला को बम्बिहा गैंग का करीबी मानता था। बता दें, एनआईए ने मामले को लेकर 2 बार छापेमारी कर गैंगस्टर नेटवर्क का पर्दाफाश किया है, जिसमें सिद्धू मूसेवाला के गाने को लीक करने की बात सामने आई है। वहीं परिवार ने कुछ सिंगर्स और म्यूजिक कंपनियों पर अपना शक जाहिर किया है। इसके बाद अफसाना खान को रडार पर लिया गया। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।